आपका एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया था जिसमें आप हाथ जोड़कर स्टेट गवर्नमेंट को निवेदन कर रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना को क्यों नहीं लागू किया जा रहा। देखिए, आयुष्मान भारत मैं अभी भी राज्य सरकार से विनती करना चाहता हूँ, आपने भी BSKY ऐसा कुछ सिस्टम आपने बनाया, वेल एंड गुड, आप हम उसके लिए भी स्वागत जनाते हैं, लेकिन उस योजना से केवल अगर कोई मेजर क्रिटिकल केस हो गया, मैं सपोज किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे बड़ा बड़ा डिजीज है जो हम इस कुछ हॉस्पिटल नर्सिंग होम में नहीं इलाज होता है तो हमें दूसरा राज्य में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। तो ये कार्ड जो आपने बनाया BSKY, ये आपने जो बनाई, ये कार्ड बाहर इनवैलिड है, ये बाउंस चेक है बाहर स्टेट के लिए, और यहाँ के लिए भी बहुत सारा हॉस्पिटल में को इन पैनल गया है गवर्नमेंट के थ्रू से, लेकिन अभी गवर्नमेंट जब इस शायद इस कार्ड से बहुत लोगों ने इलाज किया, लेकिन अभी तक इलाज का जो खर्च हुआ है वो अभी तक हॉस्पिटल को नहीं मिला, हॉस्पिटल को नहीं मिला। अब उसके बाद कभी कोई पेशेंट अगर जा रहा है दोबारा उस हॉस्पिटल में जा रहा है तो उनको वापस कर दिया जा रहा है। बताइए, आप किए हैं ठीक है, लेकिन ये आपने अभी बहुत सारा बकाया है बहुत सारा नर्सिंग होम में। मैं आपको क्या लगता है, मैं विनती करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का स्कीम जो 5 लाख अगर मिल जाएगा, ये आयु देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम बनाया है गरीब मजदूर के लिए, जिसका पास पैसा है वो तो इलाज कर लेगा, जिसके पास जमीन है जमीन बिक्री करके इलाज कर लेगा, जिसका पास पैसा नहीं है कम से कम इस योजना से हमारा जिंदगी, देखिए मोदी जी ने बहुत सोच समझ के बनाया, हमारा आयु को बहुत लंबा कर देगा अगर इस योजना से हम बचेंगे तो हमारा आयु लंबा हो जाएगा। इस मेडिकल इंश्योरेंस से हम आयुष्मान भारत से हमारा कार्ड बनेगा तो हम इससे हम देश के हर कोने में इलाज कर सकते हैं। तो ये सारा सारा न्याय हमारा, देखिए इस हमारा बच्चा अगर बीमार है, हम इलाज नहीं कर पाया, हमारा पास पैसा नहीं है, तो हमारा बच्चा देखिए दुनिया देखने से पहले चला जाएंगे। बालाजी ये पहली बार नहीं कि आप बोले, इससे पहले खुद प्रधानमंत्री जी भी ये अपील कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी सारे तमाम केंद्र सरकार के मंत्री जो अभी आते हैं यही सेम चीज बोल के जाते हैं, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक लागू नहीं किया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये क्रेडिट केंद्र को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, ये सोच के आम जनता को पता चल जाएगा कि ये तो सारा योजना अभी भी पता चल रहा है। सरकार का धर्म क्या है, लोगों की भलाई करना या क्रेडिट के हिसाब से काम नहीं करना? धर्म करना, धर्म कर्म ही धर्म है जी। हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको वो फल नहीं मिलेगा जी। 22 साल से आप है, अच्छा बात है, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम भी स्वागत जनाते हैं, लेकिन केंद्र के साथ आपने दोस्ती भी किया है, केंद्र सरकार मिल के आप चला रहे हैं, अब आम जनता के साथ आपने दोस्ती क्यों नहीं किया? दोस्ती किया होता तो ये सारा योजना, केंद्र के साथ कैसा दोस्ती है? अगर केंद्र के स्कीम यहां लागू नहीं हो पा रहा है तो कैसा दोस्ती? नहीं, वही तो बोल रहा हूं कि आप सेंट्रल में दोस्ती किया है, ग्रास रूट में क्यों दोस्ती नहीं किया? केवल ऊपर से दोस्ती करने से नहीं है, दिल से कीजिए ना, और हमको तब लगेगा दिल से जब ये इस योजना को आप घर तक पहुंचाएंगे, आम जनता तक, गरीब मजदूर तक पहुंचाएंगे। मैं बार बार विनती करना चाहता हूँ राज्य सरकार से, अब भी आपका पास है, अभी कम से कम इस योजना को, आयुष्मान भारत किसान बीमा योजना, अभी तक भी बोला ना अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण से ये परसेंटेज अभी कम है, अशिक्षित है। तो आपका ये मानना है कि जानबूझकर यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोगों के पास फायदा जाएगा तो लोगों जानेंगे कि ये मोदी सरकार ने दिया है, तो मोदी सरकार या भाजपा को क्रेडिट चला जाएगा, तो इसके नाते स्टेट गवर्नमेंट जानबूझकर ये सब स्कीम्स लागू नहीं कर रहा है और इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा है। और एक है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, मैं माइनॉरिटी का मिनिस्टर, मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ भी बैठा, यही का ऑफिसर के साथ मैंने पूछा कि आपको क्या क्या मिलता है, तो बोला कि माइनॉरिटी से स्कॉलरशिप, बाकी उनको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, क्यों आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग
माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल बना सकता है, गरीब मजदूर का हम लोग नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन पढ़ा सकता है, हम लोग स्टेडियम बना सकता है। यहाँ उस प्रकार से इतना अच्छा खिलाड़ी सब है लेकिन उनको स्कोप नहीं मिल रहा है। हम स्टेडियम बना सकता है, हॉस्पिटल बनाता है, हेल्थ सेंटर बना सकता है, और हम गर्ल्स एंड बॉयज एंड वोमेन हॉस्टल हम लोग बना सकता है, कोचिंग सेंटर बना सकता है। हमने पूछे कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या क्या अब तक लिया स्कॉलरशिप, आपको मालूम है रेसिडेंट स्कूल मिलता है, कम्युनिटी हॉल मिलता है, नहीं पता भी नहीं है उन्हें 15 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है, है ना, नहीं मालूम। अगर आप चेयर में बैठा है और आपको मालूम नहीं है तो लोग इसका, मैंने माइनॉरिटी फादर बिशप पास्टर सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बैठा, उनका भी बहुत सारा इतने सालों से समस्या है, वो अभी तक इसका बेनिफिट अभी तक कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं हम लोग।